अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। और आई होप कि जी आप लोग बिल्कुल खुशबाश, जबरदस्त, नंबर वन एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि आज मेरी आपसे मुलाकात हो रही है तीन दिन की छुट्टी के बाद, यानी कि जी फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद जो है वो मेरी आपसे आज मुलाकात हो रही है। हफ्ते का नया दिन है, यानी कि पीर का दिन है, और इंशाल्लाह ताला परवरदिगार जैसे आज का दिन बहुत बेहतर बनाए, मैं तो कहती जिंदगी का हर पल ही अल्लाह पाक बहुत अच्छा और बेहतर बनाए। क्योंकि रमजान में बात होती है कि रमजान में बड़ा अमन था, मैंने कहा कि रमजान में अमन है तो अल्लाह पाक करा, पाकिस्तान के जो मैं कहती पाकिस्तान के दुनिया के बात कर रहे थे कि जहां अमन की फजा कायम हो, तो उस पर बात कर रही थी कि अगर रमजान के जमाने में अमन होता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक साल के सारे महीने को रमजान ही बना दे। वेल जनाब, इसी तरह पूरे प्रोग्राम में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आपको पता है कि हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, स्टोन एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जो बताते हैं आपको आपके बर्थ स्टोन के बारे में, रेमेडीज बताते हैं और भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, फौरन आते हैं जी। आपको पता है जी हमारे पास हमारे साथ हमेशा की तरह जो मौजूद होते हैं स्टोन किंग, यानी कि अली तवसुफ, तो आइए चल के मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम सबीन। बिल्कुल जल्दी जल्दी भाग भाग के मैंने इंट्रो दिया, इसलिए कि मैंने कहा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, कॉलर हमारे साथ होकर बस ये हो कि उनको टाइम मिल जाए कॉलर को, आपको इंट्रोडक्शन, मेरी बात तो चलती ही रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाकई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है, हमें टाइम वेस्ट किए बगैर फॉरन कॉलर को लेना चाहिए। अच्छा, जब तक कॉलर हमारे साथ होते हैं कोई भी, तब तक आज क्योंकि अब ये हमने रखा हुआ है कि पहली अच्छी बात आप करते हैं। अच्छा, आज भी कोई छोटी सी अच्छी बात बता दीजिए, कोई ऐसी बात बता दीजिए जो शायद कारामद हो किसी के लिए। वेल मैं तो वक्त के हवाले से ही बात करूंगा तजीन। हम लोग कहते हैं कि जैसे वक्त गुजर गया, शायद मेरी किस्मत में ये चीज नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि वक्त इसमें नहीं गुजरता, वक्त ठहरा रहता है जबकि इंसान गुजर जाता है। वाह क्या जबरदस्त अली ने बात की, वो कि मुझे ये बात करनी चाहिए। बस एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है, कहाँ से? जी मैं सरीना बात कर रही हूँ, सियालकोट से। जी समीना, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सिस्टर मैंने अपने हस्बैंड के मुताबिक पूछना है। अच्छा, हस्बैंड के मुताबिक पूछना है। अच्छा जरीना, उनका नाम बताइए, उनकी वालदा का नाम बताइए और तारीख पैदाइश बताइए। उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। ठीक है। और उनकी वालदा का नाम है सफिया दीदी। ठीक है। और उनकी तारीख पैदाइश है 27 सितंबर। सही। 1962। हाँ जी। और सियालकोट। ठीक है। अच्छा सवाल बता दो। और उनका टाइम है जुमे का दिन सुबह 5 बजे। ठीक है। अब हॉस्पिटल के नाम नहीं बताइएगा, आप मुझे सिर्फ सवाल बता दीजिए। जी उसका सवाल ये है कि वो ना इस वक्त ना अब्रोड में है, यानी क्रॉस में है, तो परेशान है, तबीयत भी कुछ खराब रहती है, और ये कि अल्लाह ताला उनको पेपर वगैरह तो क्या बनेगा, और उनको कारोबार भी नहीं है वहाँ कोई भी, बड़े परेशान है वो, और इतना कर्जा भी है उनके सर पर, तो क्या होगा सारा ये पूरा फ्यूचर या जो भी है वो बता दें। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सियालकोट से याद करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और अली जब जवाब दें, तो इससे पहले व्यूवर्स मैं काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट नंबर वन ये कि जब आप हमसे बात करा करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज म्यूट कर दिया करें, और इसके अलावा पहले मेरे सवाल सुन लिया करें कि मुझे आपसे क्या पूछना है। हाँ, आप मुझे हमारी जरूरत के मुताबिक नॉलेज देंगे तो फिर आगे जो है हमें बात आगे बढ़ती है। जी अली। वेल हनीफ साहब हमारे भाई, ही बिलोंग्स टू लिब्रा, यहाँ पे इस वक्त इनकी जो पोजीशन लिब्रा की ही निकल रही है, फिफ्थ हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे बैड एस्पेक्ट्स के असरात के अंदर है हमारे ये भाई। इनको एक तो इनकी मिसिस को सदका देना होगा, अगर ज्यादा ज्यादा मेरी बहन सदका देती है हनीफ साहब का, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, फिजिकली तौर पर सेफ रहेंगे एंड नजरबंद से, बंदिशा से सेफ रहेंगे। ग्रेजुअली इनके स्टार की पोजिशन फिर फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे इनका लक अच्छी इस वक्त है एंड नाइन्थ हाउस इनका अच्छा है। यहाँ पे फिफ्थ एंड सिक्स हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसमें नेचुरली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इंसानी हाथ की तरफ से हर्डल्स, रुकावटें, बंदिशार निकल रही है, जिसकी वजह से माइंडली तौर पे, फिजिकली तौर पे थोड़े से डिस्टर्ब है। ये सिचुएशन 25 अप्रैल से पहले पहले बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी, जो भी रुकावटें, बंदिशार कोई इंसानी हाथ की तरफ से या बैट ह्यूमन हैंड की तरफ से लगाई जा रही है, क्रिएट की जा रही है, तो उस सिचुएशन से सदका इनको बहुत ज्यादा सेफ रखेगा। प्लस अगर ये खुद से सूर्य कुरेश, सूर्य फील एंड सूर्य नास की तिलावत करते हैं बेस्ट रहेगा। अगर ब्लैक हकीक ये परचेज कर सकते हैं
एब्रॉड से या फिर अगर आप पाकिस्तान से इन्हें सेंड कर देती हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। रिंग फिंगर में या लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं सिल्वर में, बहुत मुबारक रहेगा। यहाँ पे कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं निकल रही है, जो भी हर्डल्स आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, वो थोड़ा सा इसमें फिजिकली तौर पर इनको डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन आगे ओवरऑल फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है। एंड ऑफ दिस ईयर तक फ्रेंची तौर पर और ज्यादा स्ट्रांग होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जनाब आपको जो है बहुत तफसील से जवाब दे दिए, जितने जरीना ने जल्दी जल्दी सवाल किए थे मेरा ख्याल अली ने उससे बढ़कर ही जवाब दे दिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? मैं हुमैरा बोल रही हूँ कराची से। जी क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र जी। क्या पूछेंगी? मुझे अपने सिस्टर के बारे में मालूम करना था। सही, नाम बताइए, वालदा का नाम बताइए और तारीख पैदाइश बताइए। मेरी सिस्टर का नाम है सनोवर। ठीक है, और तारीख पैदाइश है 19। जी जी हुमैरा जल्दी से जरा बता दीजिए क्या बाकी कॉल्स होल्ड पे हैं हमारे पास। जी 19 जुलाई। 19 जुलाई 76। अच्छा अम्मी, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय 10 इन्फेक्शंस वाले जरासीम एक हिफाजत, एडवांस्ड लाइफ बॉय। क्योंकि बाकी कॉल जो है वो होल्ड पे हैं। जी जी जी, और अम्मी का नाम है शहनाज। सवाल बताइएगा। सवाल ये पूछना है कि इनकी जो शादी हो चुकी है लेकिन ये काफी डिस्टर्ब है, मतलब इनकी बन नहीं रही है ना शोहर से घर वालों से। अच्छा हुमैरा, अब सनोवर के हस्बैंड का नाम बताएं, उनकी वालदा का नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, आप जरा जल्दी से बताइएगा। अच्छा जाहिद महल नाम है उनका। ठीक है, और उनकी वालदा का नाम है अनीसा। ठीक है, और 2 फरवरी सही 1972। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अली बिल्कुल अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जल्दी से बता दें। सनोवर शी बिलोंग्स टू मून साइन, कमर बुर्ज सरतान से रिलेटेड है और इनके हस्बैंड जाहिद साहब क्वेरीज हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे सेवन था उसमें चल रहा है लास्ट पार्ट वन ईयर से, 2011 से इन दोनों के स्टार डिस्टर्ब है नेचुरली तौर पे, कोई यहाँ पे इंसानी हाथ की तरफ से हर्डल्स रुकावटें नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा वेट करना होगा। अच्छा टाइम सनोवर का शुरू हो रहा है फरवरी के एंड तक, या फिर इसमें इंशाल्लाह मार्च 10th ऑफ या 15 मार्च से इंशाल्लाह इनकी जो भी मैटर प्रॉब्लम निकल रही है, जो भी डिस्टर्ब कोई रुकावटें नेचुरली तौर पे ये इंसानी हाथ की तरफ से हैं, तो उनसे ये सेफ रहेंगी इंशाल्लाह। आगे मैटर लाइफ इनकी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्लेंटी पोजिशन नेचुरल है, यहाँ पे कह सकता हूँ कि मार्स एंड सैटर्न वीक कर रहे हैं इनका सातवां घर, जिसकी वजह से इनमें आपस में डिस्प्यूटेड मैटर और कुव्वत बर्दाश्त दोनों के अंदर नहीं है, हाइपर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन से इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे। एक तो रूबी वेयर कर सकती है सनोबर, जाहिद के लिए रेकमेंड करूंगा ही कैन वेयर मूनस्टोन रेड एंड व्हाइट कलर का सदका दिया करें। सनोबर दे सकती है या हुमैरा माय डियर सिस्टर आप भी दे सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर सनोबर सूर्य कौसर सूर्य यासीन एंड सूर्य रहमान की तिलावत करती हैं तो 100% के लिए मुबारक रहेगा। ज्यादा इंशाल्लाह इनको वेट नहीं करना होगा, 10 to 15 मार्च से मार्च तक इंशाल्लाह इनको गुड न्यूज मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैं समरा बात कर रही हूँ लाहौर से। कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने बारे में पूछना था। ठीक है, आप अपना पूरा नाम बताइए, अपनी वालदा का नाम बताइए और डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा नाम समरा जहीर। समरा जहीर जी। ठीक है, वालदा का नाम है परवीन अख्तर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 1984। 1984 साल और वो महीना और वो बताएं दिन। फर्स्ट जनवरी हाँ जी 1984। मुझे ना पूछना था कि मेरा मतलब कि ना शादी को 10 महीने हुए हैं, मेरा अभी एक मिसकैरेज हुआ है बेबी ना, तो आगे कोई एहसास नजर नहीं आ रहे, तो कब तक हो जाएगा आगे, और ज्यादा देर से तो नहीं है कोई मसला ऐसा, और मेरे मियाँ की कोई अच्छी जॉब नहीं जैसे कि ना लग रही, कुछ पढ़ने को बता दें कोई अच्छी मतलब की जॉब के लिए कोई अच्छी। अच्छा समरा, आप अपने मियाँ का भी बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिएगा बिल्कुल, मियाँ का नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ। उनका नाम नईम है, मोहम्मद नईम। ठीक है, और वालदा का नाम जोरा है। ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1984 है उनकी। अच्छा पूरी बताइए।
ना उनका मुझे यही पता है, उस महीना नहीं पता कौन सा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वेल जनाब, आपके जवाब जो वो देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में, जहां पर हो रहे हैं जी जबरदस्त बातचीत, कुछ सितारों के बारे में, कुछ सैयारों के बारे में, कुछ जायचों के बारे में, पता नहीं किस किस चीज के बारे में। अच्छा अली, आपने जवाब देना है जो हमारी कॉलर थी इनका। वेल समरा जहीद, कैप्रिकॉन, 1st जनवरी, कैप्रिकॉन के लिए बहुत ही बेस्ट ईयर है ये। यहाँ पे समरा, मैं आपके लिए गुड न्यूज यहाँ पे रखता हूँ हॉरोस्कोप में कि 25 अप्रैल से आपकी प्लेनेटरी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। जो भी इस वक्त आपने जो भी आपके पर्सनल विशेज हैं उसमें आपको कामयाबी 20-25 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहे हैं। सातवें घर में जुपिटर 1st हाउस में एंड 9th हाउस में आपको यूरेनस, 3 अच्छे स्टार आपकी खुशियों में, कामयाबियों में इजाफा कर रहे हैं। वो काम जो आपके अनकम्प्लीट रहे थे 2009 में या 2010 में, उसे आप कवर कर पाएंगी। प्लस आगे इंशाल्लाह आपका इसमें प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी मैटर लाइफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। नईम साहब का इस वक्त बाई नेम स्टार उनको अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सैटर्न क्योंकि वीक है, 2nd हाउस में स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं आपने बताई, तो बाई नेम मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्कॉर्पियो है जिसे मुरीक बुर्ज अक्रब कहते हैं। तो यहां पे इस वक्त इनके फाइनेंशियली हिरादरा थोड़े से लेट डाउन चल रहे हैं, वेट करना होगा, लेकिन आपकी किस्मत आपको और हस्बैंड को बहुत ज्यादा रास आएगी 25 अप्रैल से। स्टोन आप पहन सकती हैं मून स्टोन या फिर पर्ल, एंड नईम भाई के लिए रेकमेंड करूंगा ही कैन वेयर, वो पहन सकते हैं रेड अकीक या फिर रूबी सुर के आकूत, रेड एंड ब्लैक कलर का सदका दिन ज्यादा ज्यादा वेनेसडे को। और अगर आप सूर्य कौशल, सूर्य पुरेश एंड सूर्य फलक की कंटिन्यू आप तिलावत करती हैं, और नईम भाई अगर सूर्य आल इमरान एंड सूर्य बकरा सूर्य रहमान की तिलावत करते हैं बिफोर आफ्टर जूद इब्राहिम, तो 100% दोनों के लिए मुबारक रहेगा। थैंक यू अली। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? जी मैं गुलफशा बोल रही हूँ, लाहौर से। बुशरा? नहीं जी, गुल अफशा। ठीक है, गुल अफशा। गुल अफशा आप थोड़ा सा लाउडली बोले, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। हाँ जी, अब आ रही है। हेलो जी, क्या पूछें? जी जी, क्या पूछें? हाँ जी, मुझे अली भाई से पूछना है कि मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे उनसे पूछना है कि मेरी तबीयत कब तक बेहतर हो जाएगी, और मुझे कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से मेरी तबीयत जो है ना वो ज्यादा बेहतर हो जाए। अच्छा, अब गुलफशा आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए और अपनी वालदा का नाम बताइए। जी 10 फरवरी। सही है, क्यूरियस? जी 10 फरवरी 1974। ठीक है, और वालदा का नाम आपकी? मेरी वालदा का नाम है रेहाना शहजाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज ऑन योर जवाब सुनने का। जी अली, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। वेल हमारी सिस्टर गुलफशां, शी बिलोंग्स टू एक्वेरियस, ज़ोडियक असेंडेंट साइन सैटर्न, लकी नंबर आपका 8 एंड योर लकी डे सैटरडे। यहाँ पे आपका जो 6th हाउस है वो थोड़ा सा वीक है, स्टार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका अपना छठा घर सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इंसानी हाथ की तरफ से ऐसी हर्डल्स निकल रही है गुलफशां, जिसकी वजह से माइंडली तौर पर लास्ट बार 2 ईयर से आपके स्टार में डिस्टर्बेंस निकल रही है। यहाँ पे नेचुरली तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली तौर पे आप लकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका बेस्ट टाइम मई 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। 15 मई से जो भी डिजीज प्रॉब्लम आपको घेरे हुए छठे घर में माइंडली तौर पे, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जिस काम में आगे अपने कैरियर को ब्राइट करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जो भी इसमें काम करना चाह रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कुछ इंसानी हाथ की तरफ से और कुछ नेचुरल तौर पर कह सकता हूं कि राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है छठे घर में, जो कि बीमारियों का घर होता है। तो यहां पर बहन मैं आपको एडवाइस दूंगा, एक तो आप ब्लैक रंग का सदका दें एवरी वेनेसडे या फिर थर्सडे के दिन, जिसमें कपड़ा या कोई भी इसमें काले चने दाल वगैरह हो सकती है। प्लस अगर ज्यादा से ज्यादा सूर्य फील, सूर्य कुरेश एंड सूर्य रहमान कंटिन्यू आप मेरी बहन पढ़ती है, तो आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। प्लस स्टोन वेयर कर सकती हैं आप ब्लैक अकीक, इसके साथ अगर एक छोटा सा पर्ल पहन लेती है मोती, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। नजरे बस से बंदी शाह से सेफ रहेंगी और बैड एस्पेक्ट से भी सेफ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? बात कर रही हूँ, आवाज ड्रॉप हो गई, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आपकी आवाज आ रही है?
जी आप मुझे अपनी आवाज़ सुनाइए ताकि हमें पता चले आपने पूछना क्या है। मैं सिंधु बात कर रही हूँ और जी मैं सिंधु बात कर रही हूँ, मुझे ये पूछना कि बहन है 30 साल की उम्र हो गई है उसकी कि अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, आप अपनी बहन का नाम बताइए, वालदा का नाम बताइए और तारीख पैदाइश बताइए उनकी। उसका नाम है नसीन और उसकी अम्मी का नाम है कजबानू। ठीक है, और तारीख पैदाइश नहीं बताए। तारीख पैदाइश नहीं बताई? नहीं। ठीक है, नाम से अली करेंगे शादी। ठीक है सिंधु, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको ऑनियर बताते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम, आप सिंधु का जवाब देंगे अली, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूंगी जी स्क्रीन डिस्प्ले पे अली के पर्सनल नंबर्स भी आ रहे हैं, पे आप अली को जो है वो कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा जी मेलिंग एड्रेस भी आ रहा होगा, इस पर आप अली को मेल भी कर सकते हैं। और ये कि अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है, कराची में मौजूद हैं और अगर आप चाहते हैं कि जी बाय पोस्ट आपको चीज डिलीवर हो, स्टोन्स वगैरह या जो भी सारी चीजें जो होती हैं डिलीवर, या आप आउट ऑफ स्टेशन हैं या आप बैरून मुल्क में हैं, तो हमारे पास ये भी चीज है कि जी हम पोस्ट भी कर सकते हैं, डिलीवर भी कर सकते हैं आपको। ठीक है, अब अली जवाब दीजिए सिंधु। वेल नसरीन का बाय नेम शी बिलोंग्स टू अ स्कॉर्पियो, जिसे हम मुरीक पोचक्रम कहते हैं। सार सत्ती के एलिमेंट से गुजर रही है हमारी सिस्टर, 2005 से ही इनका बैड टाइम चल रहा है। अदरवाइज मैं समझता हूं कि लास्ट बार 5 ईयर बैक या 7 ईयर बैक इनकी मैरिज निकल रही थी, जो कि रुकावटें और बंदिशात नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन प्लस कुछ ऐसी नजरेबंद के एलिमेंट्स इनकी लाइफ में रहे जिसकी वजह से इनके बनते बनते काम रुकते रहे हैं। 2012 से इनका एक बैड टाइम चल रहा है, लेकिन इस सिचुएशन से निकल रही है 2013 के शुरू में। ये साल भी इनको वेट करना होगा या फिर एंड ऑफ दिस ईयर कह सकता हूं कि इनका अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट एंड ऑफ दिस ईयर मींस के नवंबर दिसंबर तक, या फिर इनको कंप्लीट ईयर ये वेट करना होगा, क्योंकि 2013 इनके लिए बहुत ही मुबारक रहेगा। इसमें इनकी इनके लिए गुड न्यूज है, अच्छे दिन इनके स्टार्ट होंगे और मैरिज के हवाले से इनको अच्छे प्रपोजल इंशाल्लाह आ सकते हैं। इस वक्त जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंदिशात है, उनके लिए मैं इनको रेकमेंड करूंगा शी कैन वेयर एमरल्ड या फिर ऑनेक्स, दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर कर सकती है, ग्रीन कलर सदका दिया करें नसरीन। और ज्यादा से ज्यादा हमारी सिस्टर सूर्य निसा, सूर्य नूर एंड सूर्य कौसर की अगर तिलावत करती हैं तो 100% नजरेबंद से बंदिशा से सेफ रहेंगी और फिजिकली तौर पे भी ये सेफ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? मैं आसमा बोल रही हूँ, गुजरांवाला से। क्या हाल है आपका आसमा? ठीक हूँ, आप सुनाए। अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा क्या पूछेंगी ये बताओ, क्या पूछा? ना भाई रिसली रहते थे तो उनका ना वाक पे काम नहीं बनता। किसका? तो मैंने काम के बारे आवाज में इनकी बहुत ब्लास्ट हो रही है। अच्छा आपके पास टेलीविजन सेट चल रहा है? हेलो, उनके डेट ऑफ बर्थ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका नाम अंसर है, उनकी वालदा का नाम जुबैद है। आसमा आपके पास टीवी चल रहा है? हाँ जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, कम नहीं करें, बंद करवा दें। हाँ जी, अब बात करें मुझसे, आप मुझे बताएं किसके बारे में पूछना है आपने? जी मैंने पहले भी फोन किया था, मैंने पूछा था, लेकिन इन्होंने कहा था हम भेजेंगे, अभी तक आया नहीं है। आसमा किसके बारे में पता करना है आपने? आपने मियाँ के काम के बारे में। शुक्र, अब आपको मेरी आवाज आ गई। अपने मियाँ का नाम बताइए, वालदा का नाम बताइए और उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए जल्दी से। उनका नाम है अंसर जुवेद, असद जुवेद। वालदा का नाम है जुबैदा बीबी। ठीक है, इनकी कारोबार के काम के बारे में पता करना है आपने? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेल देन, अब टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं सबीन और आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं जबरदस्त में। और ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर हमारे साथ थी, अब अली साहब उनका जवाब दीजिए कॉलर का, जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत असद के लिए परेशान है। बेल सबीन, हम बाय नेम बताएंगे क्योंकि असद भाई का डेट ऑफ बर्थ नहीं बताया। बाय नेम असद साहब, ही बिलोंग्स टू एरीज, जिसे मुरीक बुरशामल कहते हैं। यहाँ पे इनकी प्लैनेटरी पोजिशन अनफॉर्चुनेटली 2-3 घरों में डिस्टर्ब चल रही है लास्ट फॉर 3 ईयर से, 2009 से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दो स्टार जिसे हम नहुसत के स्टार कहते हैं, राहु एंड केतु, सेकंड हाउस में, 9th एंड 10th हाउस में, जिसकी वजह से माइली तौर पे थोड़े से डिस्टर्ब है। लेकिन ये कि इनको कंटिन्यू स्ट्रगल जारी रखनी होगी, हार्ड वर्किंग कंटिन्यू करते रहना होगी, क्योंकि इनके यहां पर जो इनका बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है वो जून एंड जुलाई से, मे बी पॉसिबल यहां पर इनको कोई सपोर्ट कर सके फाइनेंशियल तौर पर, या फिर कोई इनको
अगर बाहर का अपॉर्चुनिटी मिलता है अब्रॉड जाने का तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि बाहर चले जाएं, इनके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले दो तीन साल इनके लिए अच्छी चेंजिंग के हैं। यहां पर अगर अपने बिजनेस स्टार्ट करने की पोजीशन में है तो मैं इनको एडवाइस दूंगा कि जून जुलाई में अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, इनके लिए बेस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करें आप मेरी बहन इसमें आसमा असद भाई का, ब्लैक रंग में जिसमें काले चने कपड़ा वगैरह हो सकता है। और यहां पे सूर्य आले इमरान सूर्य बकरा की आखिरी तैनात कंटिन्यू असद जावेद भाई को अगर पढ़नी होगी मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 41 डेज तक। स्टोन इनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि कैन वेयर ओपल या फिर पर्ल, दोनों में से कोई भी स्टोन ये वेयर कर सकते हैं। फिजिकली तौर पे नजरें बस से सेफ रहेंगे और जो भी इनके ऊपर हर्डल्स रुकावटें कोई क्रिएट कर रहा है या इनके रास्ते में खुशियों में कोई भी रुकावटें लगा रहा है तो उनसे ये सेफ रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है कहाँ से? मैं मुनव्वर सरदाना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी क्या हाल है आपका? ठीक है शुक्र अल्लाह का। अली भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन मुनव्वर सुल्ताना, कैसी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा अली भाई, मैंने अपने भांजे के बारे में पूछना है। ठीक है, आप नाम बताइए, तारीख पैदाइश बताइए और वालदा के नाम बताइए उनकी। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान ठीक है। वालदा का नाम शमीम अख्तर। शमीम अख्तर ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिएगा मुनव्वर। 7 अगस्त ठीक है। 1983 मेरा ख्याल इन्होंने कहा है। ठीक है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सवाल तो बता देती। हाँ उसके बारे पूछना है, उसकी वो नौकरी का मसला है और उसको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा गुस्सा बहुत आता है, ठीक है ठीक है। नौकरी भी नहीं बनती ना, नौकरी बनते बनते रुक जाती है। उसके काम का अच्छी तरह भाई बताना है, इसका किस दिन देना है क्या देना है ये अच्छी तरह बताना। बिल्कुल अभी बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर आपके कॉल करने का, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ऑन एयर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे जवाब सुनिएगा। जी अली साहब आपने अच्छी तरह से अभी बताना है जरा अब्दुल रहमान साहब के बारे में। हाँ सभी मेरी तो कोशिश होती है सबको ही अच्छी तरह बताना। ये तो मुझे आपको पता है, मैं हर शो में ये जरूर कहती हूँ कि इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों को बताते हैं कि बड़ी बात होती है कि लोगों को मुतमईन करना। थैंक यू अब्दुल रहमान, ही बिलोंग्स टू अ लियो। नेचुरली तौर पे जरा थोड़े से हाइपर पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, माइंडली तौर पे सडन गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि इनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त जरा कम होती है, इमोशनल लेकिन ही के दिल के साफ होते हैं। चूंकि फायर साइन से रिलेटेड होते हैं, जोडिक स्टैंडर्ड साइन इनका सन बनता है जो कि यहाँ पे इस वक्त इनको फेवर नहीं कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं बल्कि इनको एडवाइस दूंगा, जॉब में ये सही तौर पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाएंगे इन फ्यूचर में। एडवाइस इनके लिए यही है, या तो ये जून जुलाई अगस्त तक अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें या फिर ये अब्रॉड चले जाए। अब्रॉड जाने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्योंकि यहां पे इनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं नेक्स्ट 5 to 6 मंथ में भी, जिनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। बाहर जाना इनके लिए बेस्ट रहेगा 100%, 95% इनके लिए बिजनेस करना बेस्ट रहेगा। डिपेंड इन पर करता है कि इनकी क्या चॉइस है। स्टोन इनके लिए मैं रेकमेंड कर सकता हूं, ही कैन वेयर पहन सकते हैं येलो सफायर पुखराज या फिर रूबी पहन सकते हैं। रेड कलर का आप मेरी पहन सदका दिया करें अब्दुल रहमान का, क्योंकि संडे मॉर्निंग में इतवार के दिन लकी नंबर इनका 1 है, संडे इनका लकी डे है और जिन स्टार से इनको फ्यूचर में फायदा होने वाला है उसमें एरीज सैटेरियस ल्यू एंड कैप्रिकॉन, चार अच्छे स्टार फ्यूचर में इनको सपोर्ट करते रहेंगे। अब्दुल रहमान ज्यादा से ज्यादा खुद से अगर सूर्य कौसर सूर्य यासीन एंड सूर्य फलक की अगर ये खुद से तिलावत करते हैं तो सडन जो माइंडली तौर पे ये इमोशनल हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते तो इनके लिए ये सूरतें बहुत ज्यादा मुफीद साबित होंगी। या फिर आप मेरी बहन सूर्य यासीन पढ़कर किसी भी पानी के गिलास पर अगर इनको आप पिला दिया करें तो उससे ये कूल डाउन रहेंगे इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है कहाँ से? मैं आलिया भट्ट बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी कैसी हैं आप? ठीक हो, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेंगी? अभी मैंने अपने भांजी के मतलब पूछा, भाई के बारे में पूछना है? नहीं भांजी, भांजी के बारे में पूछा है। अच्छा थोड़ा सा जरा आवाज जरा ऊंची करके बोले आगे। भांजी का नाम क्या है और वालदा का नाम बताइएगा उनके और तारीख पैदाइश बताइएगा। उसका नाम है शुमाइला भट्ट। ठीक है शुमाइला। वालदा का नाम है ज़ादा भट्ट। ठीक है और तारीख पैदाइश भी बता दीजिएगा। जी 15 जनवरी। बिल्कुल मुझे तो समझ नहीं आ रही, समझ आ रही। 15 जनवरी ठीक है। अच्छा 15 जनवरी 1990 15th of January 1990 ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़।
सवाल सवाल तो बता दे सवाल तो मैंने पूछे ही जज्बात में. हेलो सवाल तो बताए. 1990 है तो फिर मेरा ख्याल शादी के सवालों का अली अब आपने ऑल ओवर बताना है इनके बारे में क्योंकि ये जरा मुश्किल हो गया था कि मैंने हाय हाय मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा जज्बात में. नहीं कोई बात नहीं. वैसे भी हमने आज बताया कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ही अच्छा साल है. अच्छा शुमाइला बट हमारी सिस्टर शी बिलोंग्स टू अ कैप्रिकॉर्न जोल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है. यहाँ पे यकीन इनका सेवंथ हाउस क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब नजर आ रहा है. इसमें मैरिज के हवाले से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. कुछ स्टार कर रहे हैं और कुछ इंसानी हाथ की तरफ से हर्डल्स रुकावटें लगाई जा रही है जिसकी वजह से शुमाइला हमारी सिस्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब है. लेकिन वेट करना होगा क्योंकि इनको सबर का मीठा फल मिलेगा इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर तक या फिर थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त तक एक्सपेक्टेड है. एंगेजमेंट बातचीत इनकी तय हो सकती है. जो भी रुकावटें हैं मैंने बताया कि यहाँ पे 60% इंसानी हाथ की तरफ से हर्डल्स रुकावटें हैं एंड 40% नेचुरली तौर पे प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त इनकी डिस्टर्ब है क्योंकि सातवें घर में इनको सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है. फर्स्ट हाउस में इनको जुपिटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. यहाँ पे दो जरा घर थोड़े से इनके वीक हैं जो कि ग्रेजुअली आगे कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन ये कि इंशाल्लाह वो पावर वो रफ्तार नहीं है कि मैं भी इनको कह दूं कि अगले महीने या इसी महीने में इनको गुड न्यूज मिल रही है. जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है या फिर एंड ऑफ दिस ईयर तक. उससे पहले जो मैं रेमेडीज अपनी सिस्टर को बताऊंगा अगर ये कंटिन्यू प्रिसाइड करती है सूरह निसा सूरह नूर एंड सूरह रहमान की अगर कंटिन्यू तिलावत करती है शुमाइला तो इनके लिए बेस्ट रहेगा. बैड एस्पेक्ट्स हर्डल्स इवल साइड से बैड ह्यूमन हैंड से बैड हेल्थ प्रॉब्लम से सेफ रहेंगी. सो आई थिंक इनका आगे फ्यूचर इंशाल्लाह अच्छा है. आफ्टर मैरिज एक अच्छी लाइफ गुजारेंगी. स्टोन रेकमेंड करूंगा शुमाइला के लिए कैप्रिकॉर्न है मून स्टोन या फिर सन स्टार दोनों में से कोई भी स्टोन वेयर कर सकती हैं और सदका दिया करें रेड एंड ब्लैक कलर में किसी भी बुध या जुमेरात के दिन इंशाल्लाह इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह. अच्छा अली एक सवाल कॉलर को लेने से पहले मैं भी करना चाहूंगी. हो सकता है कॉलर्स को भी इस चीज से थोड़ा सा इंटरेस्ट हो. ये जो 2012 है ये कौन कौन से स्टार के लिए बिल्कुल टॉप जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा बेस्ट साल रहेगा. इसमें सभी 2012 यहाँ पे कैप्रिकॉर्न के लिए स्कॉर्पियो के लिए बहुत स्ट्रांग है. एक्वेरियस के लिए एंड पाइसेस के लिए फाइनेंशियली तौर पे और ट्रैवलिंग के हवाले से और बाकी जो स्टार है इसमें जैसे सैजिटेरियस है लिब्रा है एंड इसमें जेमिनी है तो इनके लिए एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल 50-60% के लिए और इसमें एग्जैक्टली इनके लिए बेस्ट है. इंपॉर्टेंटली ज्यादा एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज्यादा बेहतर साल है. मतलब मैं 2013 में पता नहीं कहाँ आपको मिली. बस जनाब एक कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. कौन और कहाँ से? मैं किरण हूँ. मैं लाहौर से बात कर रही हूँ. अच्छा ये बताइए आपके पास टेलीविजन सेट खुला हुआ है? नहीं मेरे पास टेलीविजन नहीं है. ठीक है अब बताइए कि आपका सवाल क्या है और क्या पूछना है? मैंने ना अपने बारे में पूछना और पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जब ये मेरी आप मुझे बताने लगे ना तो मेरी कॉल कट मत कीजिएगा इनसे कह दें क्योंकि जब भी मैं कॉल करती हूँ ना कॉल कट दे देते हैं. हमारा चैनल थोड़े दिन हो गया बंद हो गया है. अच्छा ठीक है बिल्कुल अभी आपको बता देते हैं. फिक्र नहीं करें भाई काइंडली इनकी कॉल ड्रॉप नहीं कीजिएगा. ये ऑन ईयर ही सुनेंगी हमें फोन पे ऑन ईयर नहीं बल्कि फोन पे हमें सुनेंगी. अच्छा किरण आप अपने बारे में बताइए और सवाल पहले बताएं सवाल क्या? मैंने अपने बारे में पूछना है. मैंने पहले पूछा था मेरी सिस्टर ने मेरे बारे में कि मेरी शादी के बारे में पूछना था कि मेरी शादी कब कहाँ पे होगी. मेरी आपने बताया था कि फैमिली में होगी. जब मेरी मम्मा ने कहीं और से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसकी लव मैरिज होनी है. ठीक है तो ज्यादातर यही कहते हैं कि वैसे तो मेरी अरेंज मैरिज होनी है. तो इन्होंने भी अली तो बसंत सर ने भी मुझे यही कहा था कि मेरी फैमिली में शादी होनी है. तो मम्मा कही थी ये पूछना है कि मेरी पापा की फैमिली में होगी या मम्मा की फैमिली में होगी. और इन्होंने मुझे एक वो बताया भी था हाथ में पहनने के लिए कोई पत्थर. ठीक कभी नहीं मुझे पता चला था कि कौन सा पत्थर इन्होंने कहा था. सही से. अच्छा किरण तो आप भी बता दे अभी सब बता देते. आप अपनी वालदा का नाम बताइए और अपनी तारीख से पैदाइश बताइए. मेरी मम्मा का नाम नजमा है. मेरी डेट ऑफ बर्थ 19 है 19 फरवरी और 1993 है. और मेरी लाइफ फ्यूचर के बारे में बता दीजिएगा कैसा होगा जहाँ भी होगी फ्यूचर के बारे में कैसा होगा. बिल्कुल बता देते हैं. बहुत शुक्रिया. अब आप होल्ड पे रहिए 2 मिनट अली जल्दी से बता दीजिए इनको बाकी कॉल्स होल्ड पे. किरण ओके बिल्कुल एंड की डेट से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर एक्वेरियस. एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी की मालिक है और अच्छी बात है हौसला बढ़ते हैं कि इसमें अगर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि फैमिली में आपकी मैरिज है तो इसमें आपने अभी इसे माशाल्लाह
इसमें एग्री किया, अच्छा लगा। यहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली जो नहीं जानते इल्मुलादात के मुतालिक या एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक, तो वो अपनी तरफ से बताते हैं जी लव मैरिज है आउट ऑफ फैमिली में, तो मैं समझता हूँ कि करेक्ट बताना चाहिए। यहाँ पे किरण माइडी सिस्टर आपका यही साल बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का भी मैंने कहा है एंड एक्वेरियस का जबरदस्त ईयर है आपका, इसमें आपकी पर्सनल विशेस पूरी हो रही हैं और जो भी हर्डल्स रुकावटें हैं वो नेचुरली तौर पे यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि सेवंथ हाउस आपका इस वक्त 95% स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। जो 5% थोड़ी सी इंसानी हाथ की तरफ से रुकावटें हैं वो भी इसमें अगले 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर दूर हो जाएंगी। एक तो आप ज्यादा से ज्यादा रेड कलर का सदका दिया करें और ज्यादा से ज्यादा सूर्य फील, सूर्य लहब एंड सूर्य अलम नशरा की तिलावत किया करें, आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। क्वेरीज हैं, आप दुरे नजफ पहन सकती हैं, एमिथस पहन सकती हैं, यमनी कीक पहन सकती हैं, ब्लू सफायर अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि जरा थोड़ा सा बहुत इसमें हॉट रेज होती हैं तो ये सडन रास नहीं आता, तो आप तीनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर कर सकती हैं, आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अगले 2-3 महीनों के अंदर मैं आपको मजीद खुशियों और कामयाबियों की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हूं। फैमिली में मैरिज है जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी और इंपॉर्टेंटली इसमें मदर की साइड से जरा ज्यादा इसमें फैसला हो गया इनके अम्मी की तरफ से है, तो बस किरण अब आप जो है वो तैयारियां शुरू कर दें अम्मी से कहें कि अपने खानदान में जरा ढूंढ शुरू कर दें। कॉलर है हमारे साथ, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड के बारे में मालूम करना है। ठीक है, आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए, उनकी वालदा का नाम बताइए। उनका नाम है करामत हुसैन खान जी। करामत हुसैन खान, करामत हुसैन खान, ठीक है। 21 मार्च किस मार्च सन 1961, ठीक है। और इनके बारे में 4-5 साल बहुत परेशान है, मतलब कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत परेशानी है। इनकी वालदा का नाम भी बताइएगा। इनकी वालदा का नाम है विलायत जान। विलायत जान, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जल्दी से बताइएगा सर ना, काफी हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक, अल्लाह पाक आपकी परेशानी को जो है वो खत्म करे इंशाल्लाह ताला, बारे लहा जो है वो, मैं तो कहती हूँ इनकी क्या सबकी जो भी कोई मुश्किल परेशानी हड़ल है अल्लाह पाक जो है वो खत्म करे। दुआ इसलिए ऑन एयर मांग लेती हूँ, कह देती हूँ कि पता नहीं कहाँ पे किसके उठे हुए आमीन के हाथ जो है वो कबूलियत की तरफ आ जाए। अच्छा जी, इनका बता दीजिएगा। और काइंडली व्यूवर्स, फिर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले मेरे सवाल सुन लिया करें, फिर आप अपने अपने जो है बताया करें, क्योंकि मुझे जो मालूम चाहिए होती है वो ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा जी, अब बताइए। एलिस करामत हुसैन मुरी स्टार है इनका, जिसे हम बोर्ड शामल कहते हैं, लेकिन हम इनका 9 एंड ट्यूजडे लकी डे। प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे की जा रही है कुछ इंसानी हाथ की तरफ से हैं, और यहाँ पे इनकी प्लेंटी पोजीशन 2008 से बैड चल रही है, 2008 से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तौर पे लेट डाउन चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, वो रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए था। लेकिन इन्हें डिसाइडेड होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका अच्छा टाइम भी इसमें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुरू होगा जुलाई में। जून जुलाई के महीने इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे, कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें। अगर इनको इन बिटवीन कोई बाहर जाने का चांस लगता है तो उसमें इनको 100% फायदा होगा, क्योंकि यहां पे इनको मैं आउट ऑफ कंट्री में भी इनकी प्लेंटी पोजीशन इनको कामयाबियों की तरफ लेकर मैं जाते हुए देख रहा हूं, जो कि इनके लिए बेस्ट रहेगा। 5 to 6 ईयर नेक्स्ट इनके लिए लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करें आप मेरी बहन करामत हुसैन का ब्लैक एंड रेड कलर में, ज्यादा से ज्यादा सूर्य कौसर, सूर्य कुरेश, सूर्य फील, सूर्य फलक की आप भी तिलावत किया करें, और अगर करामत हुसैन साहब खुद से सूर्य आले इमरान एंड सूर्य बकरा की कंटिन्यू तिलावत करते हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम, और अपने हाथ से सदका देते हैं बल्कि तस्बीह करते हैं या नाफ़ू या रज़ाकू, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। स्टोन पहन सकते हैं कॉरल, जिसे मरजान कहते हैं, 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में, तो इनके लिए बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। जो भी रुकावटें हैं वो नेक्स्ट 2-3 महीनों के बाद दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह पाक जैसे भी अली ने भी इतनी बिल्कुल दुआएं ही मांगी इन सारी चीजों के लिए। वेल जनाब, कहीं जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं, बस हम ही लोग जो जा रहे हैं कहीं और, बस 2 मिनट में वापस आते हैं, तो डोंट गो अवे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खुश आमदेद, वेलकम वेलकम जबरदस्त शो के जबरदस्त प्रोग्राम में। अच्छा जी, हम जो है कॉलर से हमने करामत का जो है वो जवाब दे दिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कॉलर कहाँ से? मैं समिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी समिया, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अली भाई ठीक है हमारे? अली भाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मेरी बहन बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी है? अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक, जबरदस्त
माशाल्लाह जिंदा दिलाने शहर लाहौर से, जिंदा दिलाने शहर लाहौर से बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी। अच्छा, आज मैंने अपने भांजी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? भांजी के बारे में। भांजी के बारे में? आज सारे भांजे भतीजों के क्यों हो रहे हैं? अच्छा जी, भांजी का नाम बताएं और भांजी की अम्मी का नाम बताएं और भांजी की तरफ पैदाइश बताएं। ठीक है, सुमेरा। सुमेरा, ठीक है। और उनकी अम्मी का नाम है नसरीन। नसरीन, ठीक है जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त। 14 अगस्त 1990। सवाल बता दें, शादी उसकी? नहीं, शादी होके डाइवोर्स हो गई है उसकी इतनी सी उम्र में। फिर अब क्या पूछना है आप, ये बताएं। अब ये पूछना है कि वो बहुत डिप्रेस रहती है, उसके क्या है आगे फ्यूचर में, उसकी मैरिज हो सकती है क्या, सब कुछ बताना है, सदका वगैरह। ठीक है, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और बड़ी जबरदस्त बात होती है अली, इतनी एनर्जेटिक कॉलर होते हैं ना कोई कि बिल्कुल थ्रिल से मचा देते हैं। अच्छा जी, इनका बता दीजिए, सुमेरा का डिवोर्स हो चुकी है। वही वाली बात मैं और अली एक दिन यही बात डिस्कस कर रहे थे, बल्कि अभी जो लास्ट हमारा शो था अली थर्सडे का, हम उसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि जी पहले मिक्स एंड मैच कर लिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है कि बाद में जो ये सारी सिचुएशन हो। अच्छा जी, इनका बताइए कि आगे क्या सिचुएशन है इनकी। सुमेरा She belongs to Leo, Shams Burjasa से रिलेटेड है। 2008 से बैड टाइम चल रहा है इनका 7th हाउस में। यहाँ पे अगर 2008 से जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, अगर उस वक्त मैं इनका जायचा बनाता या उस वक्त आप इसमें सुमैया मेरी बहन अगर सुमेरा के स्टार से रिलेटेड मुझे कहती तो यकीनन मैं मना करता, क्योंकि इनके 60-70 के एलिमेंट से हमारी सिस्टर इसमें गुजरी है, जो कि 2008 से प्रॉब्लम इनका स्टार प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कुछ लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं, नेचुरली तौर पर प्लेनेटरी पोजिशन इनकी डिस्टर्ब रही है। अभी इनके लिए गुड न्यूज ये कि एक तो बिल्कुल भी इनको डिसाइडेड होने की जरूरत नहीं, नाउ शी इज 22 ईयर्स ओल्ड, और इनके लिए कह सकता हूं कि जुलाई अगस्त में इंशाल्लाह इनका प्रपोजल एंगेजमेंट बातचीत निस्बत तय हो सकती है। सेकंड मैरिज बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी, क्योंकि जब लास्ट 2008 से 60-70 के एलिमेंट्स एंड केतु राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो इट्स मीन फिर वो मैरिज प्रॉब्लम होता है, इसमें उज्वाजी जिंदगी डिस्टर्ब रहती है, इवन के इसमें नौबत डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। तो इनका अभी बेस्ट टाइम 2012 का सेकंड क्वार्टर है, जिसमें जुलाई अगस्त एक्सपेक्टेड करता हूं कि इसमें इनकी एंगेजमेंट हो सकती है, और जो स्टार इनको बहुत ज्यादा अच्छे लाइफ पार्टनर इनके बन सकते हैं उसमें एरीज, सैजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये 5-6 स्टार इनके अच्छे लाइफ पार्टनर फ्यूचर में बन सकते हैं। इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह अगर कोई भी पर्सनैलिटी का प्रपोजल आता है तो आप इसमें दोनों का दोबारा कॉल करके मैच करवा सकती हैं। स्टोन वेयर कर सकती हैं हमारी सिस्टर सुमेरा, लियो है इसमें, तो रूबी वेयर कर सकती हैं या फिर येलो सफायर, दोनों में से कोई भी स्टोन पहन सकती हैं। संडे इनका लकी डे है, लकी नंबर इनका 1 है, येलो कलर का अगर सुमेरा खुद अपने हाथ से सदका देती है तो बेस्ट रहेगा, नजरे बस से बंदिश आज से सेफ रहेंगी इंशाल्लाह ताला। एक और कॉलर है हमारे साथ, हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से? मैं आतिका बात कर रही हूँ, पता किससे? आतिका, हाँ जी जी, क्या पूछेंगी? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था, उनका नाम है आसिफा। आसिफा, ठीक है जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1996। अम्मी का नाम भी बता दें? उनका नाम है परवीन। ठीक है, अब सवाल बताइएगा। हाँ जी, मेरी सिस्टर 9th में है, मैंने ये पूछना था कि यानी के ओ लेवल्स के बाद उनके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, और उनका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली साहब, आप जवाब दीजिए जरा तफसील से। अच्छा, थैंक यू सिद्दीक साहब, हम आपका हुक्म है तो इंशाल्लाह तफसील से ही दे देते। वर्गो आसफा, माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग्स टू वर्गो, तारनपुर सुमला से रिलेटेड है। असेंडेंट साइन आपका मर्करी, लकी नंबर 5 है, एंड वेडनेसडे योर लकी डे। गुड न्यूज ये, थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है, तीसरा घर जिसे हम एजुकेशन का हाउस कहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर सकती हैं, अब्रॉड जा सकती हैं, अगर फैमिली में रिलेटिव में जो भी लोग आपको सपोर्ट करते रहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा इसमें आप आसफा ज्यादा से ज्यादा मेरी बहन तालीम हासिल करें, अभी आप मैरिज का मत सोचें, क्योंकि नाउ आई थिंक यू आर 14 एंड 15 ईयर्स ओल्ड, नेक्स्ट 2014 या 15 में अगर कोई प्रपोजल आते हैं
तो वो आपका बेस्ट टाइम होगा। 3-4 साल कंटिन्यू और तालीम हासिल करें, मेडिकल की तरफ जा सकती हैं, कॉमर्स की तरफ जा सकती हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जा सकती हैं, तीनों फील्ड के अंदर 100% आप कामयाब रहेंगी। वैसे भी आपका तीसरा घर बहुत स्ट्रांग है, नेक्स्ट 5 ईयर तक इसमें तालीमी लिहाज से सैटर्न एंड जुपिटर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहेंगे। मैरिज भी कामयाब रहेगी, इन बिटवीन प्रपोजल आते रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर जो भी आपके अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं तो अगले 3-4 साल कुदरत आपका साथ दे रही है कामयाबियों के हवाले से। स्टोन वेयर कर सकती हैं आप, येलो सफायर या फिर रेड अकीक, रेड कलर का सदका दिया करें। थर्सडे के दिन ज्यादा से ज्यादा सूर्य कौसर, सूर्य इखलास एंड सूर्य वतीन की अगर आप तिलावत करती हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक और ले हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है, कहां से? हेलो, कहाँ हो तुम? आवाज आई हो गई? आवाज अब आ रही है। अब मेरी आवाज आई आपको? जी जी जी। आप अपनी आवाज सुना दी, मगर अपनी आवाज सुनाने से पहले अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दी। जी जी बंद है वो तो कब से। हाँ तो फिर मुझे बड़े जबरदस्त तरीके से जो लग रहा टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। नहीं नहीं बंद ही है मेरी तो आवाज टीवी की। अच्छा, मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना था। ठीक है, नाम बताइए। सना नाम है उसका। ठीक है, और 29 सितंबर 1989। ठीक है, और मदर्स नेम भी बताइएगा। और जी मदर्स नेम, माँ का नाम? रुखसाना समरीन। ठीक है, और इसके अलावा इनके कैरियर के बारे में और इनकी शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अली जल्दी से इनका जवाब बताइए। लिब्रा हमारी सिस्टर है सना, 29 सितंबर, शी बिलोंग्स टू लिब्रा जिसे हम सोरा बुर्ज मेजान कहते हैं। बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छे स्टार से रिलेटेड है। ये साल इनके लिए भी बहुत मुबारक रहेगा। जुलाई से अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, प्रपोजल आ सकते हैं, अंगेजमेंट या बातचीत हो सकती है। आउट ऑफ फैमिली मैरिज है जो कि बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। इवन कि ये इनका 22 फरवरी जो अभी गुजरा है, इस तारीख से इनका स्टार अच्छी पोजीशन में आ गया है। यहां पे इनके लिए मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर इन्हें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोई आगे बढ़ने की कोई शौक है, देखो टेक्निकल काम सीखना चाहती हैं या आगे बढ़ने की कुछ प्लानिंग है, या कोई बिजनेस जॉब कारोबार करना चाहती हैं, तो इनका अभी बेस्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, जो कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक कंटिन्यू इनको इसमें सैटर्न सेकंड हाउस में इनको सपोर्ट कर रहा है। सातवां घर भी बहुत अच्छा है, हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगी। एंड ऑफ दिस ईयर या फिर 2013 के शुरू के महीनों में एक्सपेक्टेड है इनकी मैरिज, जनवरी फरवरी 2013 या फिर इसी साल में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ इनके लिए बहुत मुबारक रहेंगे। एक माशाल्लाह इसमें खुशगवार लाइफ गुजारेंगी, हस्बैंड के लिए बहुत लकी होंगी। हस्बैंड की तरफ से, इन लॉज की तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत, वो खलूस मिलता रहेगा जिसकी हमारी सिस्टर मुस्तैक है। यहां पर कोई नजरे बद के एलिमेंट्स नहीं निकल रहे हैं, ना इंसानी हाथ की तरफ से, ना नेचुरल तौर पर। स्टोन पहन सकती है ओपल या फिर पर्ल। फ्राइडे इनका लकी डे है, फ्राइडे के दिन जुमे के दिन अगर आप सदका दे दिया करें सना के लिए तो बहुत मुबारक रहेगा। और लकी नंबर इनका 6 है। सना अगर खुद से सूर्य कुरेश, सूर्य कौसर एंड सूर्य रहमान की अगर कंटिन्यू तिलावत करती हैं बिफोर आफ्टर दुरूद इब्राहिम तो 100% के लिए मुबारक रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक सबकी जो है वो जितनी हम लोग, तो मैंने कहा कि शायद दिल की अपनी पूरी एनर्जी के साथ दुआ मांग रहे होते हैं आप लोगों के लिए। और प्रोग्राम का टाइम तमाम। अच्छा। पता चला कि 1 घंटा गुजर गया। अली बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और इतनी तहम्मुल से मेरा ख्याल है जवाब देने का। बड़ी मैं वही बात कर रही होती हूँ व्यूवर्स के, बहुत पेशेंस के साथ जवाब देना और फिर किसी को सेटिस्फाई करना बड़ी बात होती है। इंशाल्लाह अली आपसे कल दोबारा से मुलाकात होगी। वेल दिन आप लोगों से भी कल दोबारा से मुलाकात होगी। जाते से एक छोटी सी हमेशा बात जो कोट करती हूँ, अभी भी कोशिश यही करती हूँ कि छोटी सी एक बात कोट करके जाऊं, वो ये बात कि कल जैसे आपसे दोबारा से मुलाकात होगी उसको तो बात हम करते ही हैं, अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखिएगा, लेकिन एक छोटी सी बात कि अगर किसी से प्यार करते हैं तो कम से कम उसे जीने का हक जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।